बनाएंगे बीन की सब्जी। इससे पहले हम धो लेंगे इसको और इसको महीन महीन बारीक बारीक काट लेंगे। इसके साथ आलू, प्याज, मिर्ची वगैरह मसाला वसाला भी तैयार कर लेंगे। आपको जो मसाला पसंद हो के, इससे पहले हम लोग इसे छौंक लेंगे तेल डाल के। और मेथी हम पसंद करते हैं सब्जी में, मेथी और मिर्चा का छौंक लगाते हैं। चटकने की आवाज़ आने लगती है मेथी का, तब इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज को हम हल्की फ्राई भूनेंगे हल्की कलर में, ब्राउन गुलाबी कलर में। जब थोड़ा भुन जाएगा तो इसमें हम हरी मिर्ची भी डाल देंगे। तेल में डाल देने से उसको तीता वाला मिर्ची वाला स्वाद आ जाता है, जो तीता तीता लगता है। और उसके बाद आलू डाल देंगे, आलू को भून लेंगे। आलू को सब सब्जियों से पहले भूनने से ये फ़ायदा है कि आलू फ्राई हो जाने के बाद आलू जल्दी पक जाती है सब्जी। आलू भी जल्दी पक जाएगी, हरा सब्जी तो पकने में देर नहीं लगती है। इससे पहले आलू को हम भून लेंगे अच्छी तरह से। देखिए आलू मेरा भून चुका है, प्याज और आलू साथ ही डाल दिए हैं लगभग। प्याज भी हल्का भून गया है और आलू भी भून गया है। अब इसमें हम बीन डालेंगे, इसको हल्का फ्राई कर लेंगे। फ्राई नहीं करेंगे तो ठीक है, पहले इसको डालेंगे बीन को। बीन को डाल के पहले इसे हम चला लेंगे। अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे, जो ना आपको मसाला पसंद है। रेगुलर जो आप सब्जी में मसाला खाते हैं आप वही मसाला डालिए। हम तो इसमें कोई विशेष गर्म मसाला नहीं डालेंगे, अपना अपना स्वाद है, आप कुछ भी डाल सकते हैं मसाला में। हम इसमें धनिया, हल्दी और नमक और जीरा मिर्च डाले हैं और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे थोड़ा सा, और जो भी आपको पसंद हो मसाला आप डाल दीजिए। अब इसको हम बिना पानी डाले हुए मसाला को ऐसे ही भून लेंगे। मैं टमाटर भी डाल देंगे। धीमी आंच पर हम इसको ऐसे ही पकाएंगे बिना पानी के। सूखी सब्जी मस्त बनेगी, ऐसे आप पकाइएगा इसको ढककर। देखिए मेरी सब्जी बिना पानी वाली सब्जी तैयार हो गई है, इसमें पानी एक बूंद नहीं पड़ा है। देखिए कितना सुंदर और कलर भी कितना अच्छा आया है, बिना लाल मिर्च का कलर कितना अच्छा आया है। आपने बहुत सारा आदमी वीडियो में देखे हैं कि लाल मिर्च ज़्यादा डाल देते हैं, इसलिए आप भी मत डालिए, हरी मिर्च खाइए।